उज्जैन के महितपुर में मीडिया और एसडीएम का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और वजह है इसकी महितपुर एसडीएम कैलाश चंद्र ठाकुर का धूस राज तानाशाही रवैया। जानकारी के मुताबिक महितपुर एसडीएम की जिन्होंने न केवल पत्रकारों के साथ बदसुलूकी की बल्कि अब अपने पद का घमंड दिखाते हुए पत्रकारों पर प्रकरण दर्ज करने और यहां तक कि अपने शागिर्दों से धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। पूरे मामले की शुरुआत नगरी निकाय अध्यक्ष पार्षदों की घोषणा के दौरान घटना घटित हुई थी, जब एसडीएम ठाकुर ने इलेक्शन कमेटी के आदेश की अवहेलना करते हुए मीडिया कर्मियों को जबरन मीडिया जोन में प्रवेश पर रोक लगाते हुए बदसुलूकी पर उतर आए और माइक आईडी को धक्का देते हुए मौके से भाग निकले थे। बस फिर क्या था, पत्रकारों में नाराजगी छा गई थी और यहां नाराजगी धीरे धीरे आक्रोश में बदल गई और मामला बढ़ता गया और महितपुर एसडीएम ठाकुर पर कठोर कार्रवाई को लेकर निलंबन की मांग पर सभी मीडियाकर्मी पत्रकार संगठन अड़ गए। वहीं पूरे मामले को लेकर पत्रकार संगठनों ने संभाग आयुक्त संदीप यादव, जिला कलेक्टर आशीष सिंह और जनसंपर्क संयुक्त संचालक रश्मि देशमुख को शिकायत की, लेकिन अभी तक कार्रवाई न होने से नाराज पत्रकारों ने अब शांति प्रिय तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर महितपुर के चौक बाजार स्थित रणजीत हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर एसडीएम कैलाश चंद्र ठाकुर को अपने पद का घमंड और तानाशाही रवैये को दूर कर सद्बुद्धि देने का पाठ किया है। हालांकि तख्तियों में लिखावट के अनुसार साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पत्रकारों का गुस्सा किस अपमान पर का काबिज है। बता दें कि 10 दिनों से एसडीएम ठाकुर और पत्रकारों में छिड़ी जंग अब उग्र रूप लेने लगी है। पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि एसडीएम के निलंबन के साथ कठोर कार्रवाई नहीं, यदि नहीं होगी तो पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार महितपुर एसडीएम कैलाश चंद्र ठाकुर रहेगा।